नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मास्टर जी अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, स्टैटिक जीके की सीरीज हमारी चल रही है और इससे पहले टॉपिक मैं आप लोगों को नेशनल पार्क करा चुका हूं। ये हमारा सेकंड टॉपिक है क्लासिकल डांस। देखिए दोस्तों, भारत में ना टोटल क्लासिकल डांस है 8, शास्त्रीय नृत्य है। बड़े ही ट्रिकी वे में हम अपने टॉपिक को सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से क्लासिकल डांस किस स्टेट में है और फिर हम बड़े ही मजेदार तरीके से सीखने वाले हैं। याद रखना, दो पार्ट में हमारा ये टॉपिक खत्म होगा, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। आज मैं आप लोगों को 4 डांस याद कराऊंगा बड़े ही ट्रिकी वे में और 4 नेक्स्ट पार्ट में हम याद करने वाले हैं। देखिए भाई, सबसे पहले एक राज्य है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में एक क्लासिकल डांस है दोस्तों, जिसका नाम है भरतनाट्यम। इंग्लिश और सेम है, याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए तमिलनाडु में कौन सा क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम, या भरतनाट्यम कहां का क्लासिकल डांस है तमिलनाडु का, और याद रखना यही सबसे ओल्डेस्ट है भाई, सबसे पुराना। ये सब कुछ आपका पीडीएफ में लिखा हुआ है, बस मैं थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया दे रहा हूं, ठीक है। दूसरा दोस्तों, एक राज्य है हमारा असम। असम में एक क्लासिकल डांस है क्षत्रिया। असम में कौन सा क्लासिकल डांस है दोस्तों, क्षत्रिया। ये सबसे नया क्लासिकल डांस है, सबसे नया शास्त्रीय नृत्य अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा है, असम का क्षत्रिया है, ठीक है। तीसरा, थर्ड, आज सिर्फ मैं आप लोगों को ज्यादा डीप में नहीं करा रहा ये टॉपिक, जस्ट हम लोगों को पेपर के लिहाज से जितना हमको इंपॉर्टेंट है उतना हम याद करने वाले हैं, ठीक है। तीसरा एक स्टेट है दोस्तों केरला। केरल में दो क्लासिकल डांस है, एक है मोहिनी अट्टम है और एक है दोस्तों कथकली। तो दो क्लासिकल डांस हमारे कहाँ पे है, केरला में है। समझ आ गया, चले आगे। नेक्स्ट है भाई आप लोगों का आंध्र प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश नहीं है, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश जो क्लासिकल डांस है उसका नाम क्या है, कुचिपुड़ी। तो आपसे पूछा जाएगा सबसे नया बताओ भरतनाट्यम, सबसे नया क्षत्रिया, सबसे पुराना भरतनाट्यम, केरल में सबसे ज्यादा है दो मोहिनीअट्टम और कथकली। चले भाई, इसके बाद हमने असम का आपको बता दिया। नेक्स्ट है मणिपुर। दोस्तों मणिपुर का है मणिपुरी। मणिपुर में कौन सा क्लासिकल डांस है, तो आप बोलोगे मणिपुरी। और फाइनली इसके बाद आपसे पूछा जाएगा ओडिशा में बताओ कौन सा है भाई, ओडिशा में है दोस्तों ओडिसी क्लासिकल डांस। ओडिशा में है ओडिसी क्लासिकल डांस। और भाई देखो, यहाँ पे दो थे तो नंबरिंग में 8वां क्लासिकल डांस होगा। और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों का है यूपी, या इसके कुछ घराने राजस्थान में भी है और वो है कथक। कौन सा है, कथक। तो ये मैंने आप लोगों के सामने हमारे 8 क्लासिकल डांस बताए। समझ आया, एक बार मैं आपसे भी देख लेते हैं, ध्यान से सुनना और फिर अभी मैं इनको कराने वाला हूं आप लोगों को। देखिए सबसे पहले यहां पे राज्य है केरल दोस्तों। कौन सा राज्य है, केरल। केरल में दो क्लासिकल डांस है, एक हमारा क्या था बताओ जल्दी से आप बताएं, केरल से कथकली और मोहिनी अट्टम। दो क्लासिकल डांस है भाई, कथकली और मोहिनी अट्टम। इधर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सा क्लासिकल डांस है दोस्तों, भरतनाट्यम। तमिलनाडु में क्लासिकल डांस है। इसके ऊपर आंध्र प्रदेश राज्य है, आंध्र प्रदेश में कौन सा है, कुचिपुड़ी। और दोस्तों यहाँ पे है ओडिशा। ओडिशा में कौन सा क्लासिकल डांस है, ओडिसी। इसके बाद यहाँ पे मणिपुर है राज्य, मणिपुर में दोस्तों मणिपुरी। असम में यहाँ पे है दोस्तों क्षत्रिया। असम में कौन सा क्लासिकल डांस है, क्षत्रिया। और इधर यूपी है, यूपी में कौन सा क्लासिकल डांस है, कथक। चले भाई आप सुनो, पेपर में क्या क्वेश्चन आएगा, पेपर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आपसे कोई भी एक सिंगल नाम आएगा और पूछा जाता है बताओ इसका संबंध किस क्लासिकल डांस से है। तो इस पार्ट में दोस्तों मैं आज आप लोगों को केवल 4 क्लासिकल डांस याद कराऊंगा। चले देख लेते हैं, आप लोगों के सामने ये एक पीडीएफ है, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। तो आपके सामने दोस्तों यहाँ पे क्लासिकल डांस है भाई, आपको नजर आ रहे होंगे, जैसे कथकली है, कथक है, मणिपुरी है, क्षत्रिया है, मोहिनीअट्टम है। आप लोगों को इनके अंदर देखिए बहुत सारे नाम नजर आ रहे होंगे भाई, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज। पेपर में ना इनमें से कोई भी एक नाम दिया जाएगा, पूछा जाएगा बताओ किस क्लासिकल डांस से संबंधित है। समझ आया, चले भाई 5 मिनट मेरे साथ बिल्कुल चुपचाप होके बिल्कुल अच्छे से एक बार आप लोगों को देख लेना है और बिल्कुल दिमाग में ये आप लोगों के सेट होने वाले हैं। देखिए अब कैसे हम लोगों को याद रखना है, सबसे पहले क्लासिकल डांस हम करने वाले हैं मणिपुरी। आज मैं आप लोगों को 4 डांस कराऊंगा, सबसे पहले बताओ कौन सा है, मणिपुरी। देखो भाई पहले पॉइंट सुनना, मणिपुरी को ना मैं रिलेट कराऊंगा, जब भी मणिपुरी क्लासिकल डांस की बात होगी ना, मणिपुरी को रिलेट करेंगे पानीपुरी से। पानीपुरी यानी गोलगप्पे आप लोग खाते हैं भाई, इंग्लिश और हिंदी बिल्कुल सेम है भाई, ये सिर्फ नाम है, नाम सेम आपको एज इट इज इंग्लिश में मिलेंगे। समझ आया, आप लोग अपनी बुक अपनी पीडीएफ खोल के बैठ जाना, समझ आया, सेम आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश सेम मिलने वाले हैं। चले भाई
पहले आज हम क्लासिकल डांस कर रहे हैं मणिपुरी। ये बताओ मणिपुरी कहाँ का क्लासिकल डांस है? नाम से पता चला है मणिपुर का। अच्छा भाई मणिपुरी को रिलेट किससे करेंगे बताओ? पानीपुरी से। मणिपुरी पानीपुरी, मणिपुरी पानीपुरी, मणिपुरी पानीपुरी। और याद रखना ये सारे के सारे नाम जो आपके सामने है ना, ये हमको रिलेट करने हैं पानीपुरी से, और पानीपुरी ऑटोमेटिक चले जाएगा किस पे? पानीपुरी का मतलब मणिपुरी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनना, पहले नाम है बताओ क्या है? नयना झावेरी। अगला नाम देखो सुवर्णा झावेरी। अगला नाम देखो रंजना झावेरी। और नेक्स्ट है दर्शना झावेरी। देखो ये चार झावरी बहने हैं, इन चारों को हम क्या बोलते हैं? झावरी बहने। इन चारों को क्या बोलते हैं? झावरी बहने। अब पेपर क्वेश्चन आएगा झावरी बहनों का संबंध किस क्लासिकल डांस से है, झावरी बहनों का संबंध किस क्लासिकल डांस से है। तो अब याद करने का तरीका सुन लो भाई। देखो जहां भी बहने शब्द आ जाए ना, बहने याद रखना, जितनी भी बहने होती है माताएं होती है वो ब्याह शादी में जब जाते हैं ना, तो दोस्तों बहने माताएं वो सारी ना पानीपुरी पे टूट पड़ती है। जितनी भी बहने हैं जहां भी किसी भी शब्द के पीछे बहने आ जाए ना, और बहने किस पे टूट पड़ती है बताओ? ब्याह शादी में किस पे टूट पड़ती है? पानीपुरी पे। भाई आप अभी शादी का सीजन आएगा तब देख लेना भाई, आप लोगों को नजर आ जाएगा गोलगप्पे वाले या चौमिन वाले जो स्टॉल होते हैं ना, उस पर किसकी भीड़ नजर आएगी? तो सारी बहने माताएं होंगी। जितनी भी बहने हैं वो किस पे टूट पड़ती है? पानीपुरी पे। और पानीपुरी से मणिपुरी, पानीपुरी से मणिपुरी। बताओ भाई याद हुआ या नहीं हुआ? अरे याद हो गया हम लोगों को। जहां भी बहने शब्द आए और बहने किस पे टूट पड़ती है? पानीपुरी पे। चले भाई अगला नाम देखो। नेक्स्ट आया गुरु अमली। अमली को रिलेट करेंगे, थोड़ा सा चेंज करना है। गुरु अमली, गुरु अमली का मतलब इमली। गुरु अमली यानी इमली, और इमली का होता है पानी, इमली का होता है पानी, और पानी से पानीपुरी, पानीपुरी से मणिपुरी। तो पेपर आएगा गुरु अमली का संबंध किससे है? तो गुरु अमली, अमली से इमली, और इमली का क्या होता है? पानी। इमली का पानी होता है, पानी से पानीपुरी, पानीपुरी से मणिपुरी। तो गुरु अमली का संबंध किससे है? मणिपुरी से। चले आगे देखो। नेक्स्ट आया नल कुमार सिंह। एक बात तो नल कुमार सिंह आया नल, नल से भी क्या आएगा? नल से भी क्या आएगा? पानी। नल से क्या आएगा? पानी। पानी से पानीपुरी, पानीपुरी से मणिपुरी। भाई चले भाई अगला नाम देखो। एल बिनो देवी। देखो ये है एल बिनो देवी। अब इसको रिलेट कैसे करेंगे भाई पानीपुरी से? एल यानी एल से हम रिलेट करेंगे आलू, बिनो यानी बिना, आलू बिना क्या? आलू बिना पानीपुरी। एल बिनो यानी आलू बिना क्या थी? पानीपुरी। आलू बिना पानीपुरी यानी मणिपुरी। आगे देखिए चारू माथुर। चारू माथुर में शब्द आया चार, और भाई आपको पता है चारू चारू माथुर है चार प्रकार का क्या था? पानी। चार प्रकार का पानी, पानी से पानीपुरी, पानीपुरी से मणिपुरी। चले भाई यहां तक नाम याद हुए या नहीं हुए? एक बार फिर से आप लोगों को बताना है सारे नाम कैसे रिलेट किए हम लोगों ने। फिर से देखो बिल्कुल इजी है, एक बार अच्छे से सीखना है दोस्तों आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से पेपर में आता ही आता है। पहले जहां भी बहने शब्द आए, बहने किस पे टूट पड़ती है? पानीपुरी पे। बहने पानीपुरी पे, पानीपुरी से मणिपुरी। गुरु अमली, अमली यानी इमली, इमली का क्या था? पानी। पानी से पानीपुरी, पानीपुरी से मणिपुरी। नल से क्या, नल से क्या आएगा? पानी। पानी से पानीपुरी, मणिपुरी। एल बिनो, एल यानी आलू बिना क्या थी? आलू बिना पानीपुरी। और चारू माथुर यानी चार प्रकार का, जहां भी चार आए चार प्रकार का क्या था? पानी। भाई पानीपुरी वाले के पास कोई मीठा खारा पता नहीं कैसा कैसा हींग का और पता नहीं कैसा कैसा पानी होता है, तो हमको बस याद रखना है चारू माथुर यानी चार, और चार प्रकार का क्या था? चार प्रकार का दोस्तों पानी पूरी थी, या पानी था, पानी से पानी पूरी। आगे देखो, आगे देखो। नेक्स्ट नाम है एक भाई सविता मेहता, और एक नाम आएगा आप लोगों को निर्मला मेहता। देखो दोनों को याद कैसे करेंगे? एक सविता मेहता और एक निर्मला मेहता। याद रखना किसी भी शब्द के पीछे दोस्तों मेहता शब्द आए, मेहता को थोड़ा सा रिलेट करना है। मेहता यानी मेहनत, मेहता यानी मेहनत, मेहता यानी मेहनत। और बहुत मेहनत लगती है दोस्तों क्या बनाने में? पानी पूरी बनाने में। बहुत मेहनत लगती है किसमें? पानी पूरी बनाने में। और पानी पूरी से दोस्तों क्या होगा? मणिपुरी। तो दोनों नाम हो गए जब भी आए पेपर में, सविता मेहता, मेहता यानी मेहनत, मेहता यानी मेहनत, और मेहनत किसे लगती है? पानी पूरी बनाने में। ऐसे ही निर्मला मेहता पेपर आएगा, निर्मला मेहता, मेहता यानी मेहनत, और मेहनत किसमें लगती है? पानी पूरी बनाने में। चले भाई आगे देखिए। नेक्स्ट है कलावती देवी। कलावती देवी में शब्द आया कला, और क्या बनाने की कला थी? क्या बनाने की कला थी? पानीपुरी बनाने की। क्या होती है? कला होती है भाई, पानीपुरी बनाने की कला होती है, उसी से हमको याद करना है। आगे देखो। नेक्स्ट आया बिंबावती। हाँ दोस्तों याद रखना हर एक नाम, एक एक नाम आप लोगों को याद रखना है यहां से पेपर में। हर बार कोई भी पेपर उठा के देखो, SSC का पेपर उठा के देखो, दिल्ली पुलिस का पेपर उठा के देखो, यहां से भर भर के क्वेश्चन आए क्लासिकल डांस से। कोई भी नाम आएगा, और बहुत ही टिपिकल टॉपिक होता है, याद करने का सिर्फ एक ही मेथड है, वो जो मैं आपको करा रहा हूं, निमोनिक्स मेथड। किसी भी प्रकार हमको याद करना है दोस्तों।
चले। अब देखो नेक्स्ट आया शब्द बिंबावती। अब इसको कैसे याद रखें, देखो बिंबावती में नाम आया बिंबावती। बिंबावती में दोस्तों शब्द छिपा हुआ है बिंबा में बम्ब, बम्ब बिंबा में बम्ब, बम्ब जैसे क्या थे पानीपुरी। देखो पानीपुरी जब हमको एक नंबर के लगते हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं, तो हम बोलते हैं ना भाई एक नंबर के थे, यानी बम्ब थे बिल्कुल, बम्ब बम्ब जैसे क्या थे पानीपुरी थे, बम्ब थे भाई, बम्ब थे, क्या थे बम्बे पानीपुरी थे, बम्बे पानीपुरी पे जाना है, पानीपुरी से पहुंच जाएंगे मणिपुरी भाई। चले भाई एक नाम और देखो, राजकुमार सिंह जीत सिंह, राजकुमार सिंह जीत सिंह यानी जो जीत के आएगा उसको क्या मिलेगा पानीपुरी। राजकुमार सिंह जीत सिंह जो जीत के आएगा उसको क्या मिलेगा पानीपुरी। बताएं भाई ये हमारे कुछ नाम थे। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कुछ और नाम बचे हैं, यानी जब भी पेपर है ना मणिपुरी, मणिपुरी को रिलेट किससे करोगे बताओ, मणिपुरी आते ही पानीपुरी से रिलेट करना है, मणिपुरी यानी पानीपुरी, मणिपुरी यानी पानीपुरी, ठीक है मणिपुरी यानी पानीपुरी। देखो जितनी भी बहनें थे वो किस पे टूट पड़ती है पानीपुरी पे। इमली का क्या था पानी, नल से क्या आएगा पानी, एल्बिनो आलू बिना क्या थी पानीपुरी, चार प्रकार का पानी, सविता मेहता यानी मेहनत, मेहनत किस पे लगती है पानीपुरी बनाने में, कलावती यानी कला क्या बनाने की कला थी पानीपुरी बनाने की कला थी, बिंबावती यानी बम, बम जैसे क्या थे पानीपुरी, निर्मला मेहता, मेहता यानी मेहनत और मेहनत किस में लगती है पानीपुरी बनाने में। राजकुमार सिंह जीत सिंह जो जीत के आएगा, जहां भी जीत सिंह आ जाए ना और कहीं नहीं मिलेगा आप लोगों को, जो जीत के आएगा उसको क्या मिलेगा पानीपुरी। बताओ भाई ये मणिपुरी आप लोगों को रिलेट हुआ या नहीं हुआ, समझ आया। देखिए मणिपुरी में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे कुछ और नाम मैं आप लोगों को बताता हूं, ये हमने याद किया है मणिपुरी, समझ आया। चले भाई मणिपुरी में हमको यही नाम याद रखने थे और इसके अलावा कोई नाम नहीं हमको याद रखना, कुछ कुछ नाम मैंने वहां पे एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं वो भी हम देखेंगे। चले भाई ये था मणिपुरी, अपना नोट डाउन कर लेना जो आप लोगों के नोटबुक में नाम ना मिले। चले भाई अब हम एक और देखते हैं, एक और क्लासिकल डांस देखते हैं, ये है हमारे सामने कथकली, ये है हमारे सामने कथकली। अब कथकली को रिलेट कर रहे हैं भाई, पहले ये बताओ कथकली कहाँ का क्लासिकल डांस है दोस्तों, कथकली यानी केरल का है, कथकली कहाँ का है केरल का, एक पहला पॉइंट याद रखना। अब जैसे मणिपुरी को किससे रिलेट किया था पानीपुरी से, उसी प्रकार कथकली को रिलेट करना है कली से, जब भी कथकली आए कथकली को किससे रिलेट करेंगे कली से, यानी ये सारे नाम हम लोगों को कली से याद रखना है, ये सारे नाम हमको किससे याद रखना है कली से। देखो भाई कैसे याद कर रहे हैं हम, कथकली को किससे रिलेट करना है कली से, ये रिलेट करने वाला शब्द लिख लेना अपनी कॉपी में, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। चले भाई पहला नाम, पहले सुनना भाई ध्यान से, स्टार्टिंग में आपको अजीबोगरीब आप लोगों को ट्रिक्स लगेगी लेकिन यही ट्रिक आप लोगों की फिट बैठने वाली दिमाग में, आगे सुनो। आनंद शिव रामन, जब भी पेपर आएगा आनंद शिव रामन तो बस हम लोगों को याद रखना है, जहां भी शिव रामन आए ना, शिव और राम की मैं पूछूंगा शिव और राम की क्या थी, आप बोलोगे कली, शिव और राम की क्या थी कली, कली से कथक कली, कली से कथक कली। आनंद शिव रामन, शिव रामन में शिव और राम की क्या थी कली, कली से कथक कली। आगे देखो कृष्णन कुट्टी, कृष्णन कुट्टी यानी कृष्ण ने कुट्टी क्या कली, अरे बड़ होती है जो बड़ जिसको कली बोलते हैं, तो कृष्ण ने कुट्टी क्या, कृष्ण ने कुट्टी कली, कृष्ण ने कुट्टी कली, कली से कथक कली। आगे मृणालिनी साराभाई, देखो ये ना ऐसे कुछ नाम है जो दो दो क्लासिकल डांस से संबंधित है, पहले मैं इसी से रिलेट कराऊंगा फिर बाद में उससे, जैसे मृणालिनी साराभाई का रिलेटेड भरतनाट्यम से भी है और कथक कली से रिलेटेड है, पहले यहां जहां नाम आएगा ना हम उसी से रिलेट करेंगे, बाद में जहां वह आएगा वो उससे भी रिलेट करेंगे। पहला ये बताओ शिव और राम की क्या थी कली, कृष्ण ने कुट्टी क्या कली, मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई यानी साराभाई, सारे भाइयों ने तोड़ी, सारे भाइयों ने तोड़ी क्या कली, बस याद रखना है सारे भाइयों ने तोड़ी क्या कली। आगे देखो एक ही नाम है ये बल्ले तोल नारायण मेनन, इसको कैसे याद रखेंगे, बल्ले तोल नारायण मेनन यानी बल्ले से तोड़ी, बल्ले तोल यानी बल्ले से तोड़ी क्या कली, बल्ले से तोड़ी क्या कली, बल्ले से तोड़ी क्या कली, कली से कथक कली। बताएं याद हुआ है नहीं हुआ, आगे देखो चले पहले यहां तक बताओ एक बार, आनंद शिव रामन को कैसे याद रखिया, शिव और राम की क्या थी कली, कृष्ण ने कुट्टी क्या कली, मृणालिनी साराभाई सारे भाइयों ने तोड़ी क्या कली, बल तोल नारायण मेनन यानी बल्ले से तोड़ी, बल तोल बल्ले से तोड़ी क्या कली, बल्ले से तोड़ी क्या कली। आगे देखो उदय शंकर, एक बात बताओ सुबह सुबह, देखो उदय जैसे होता है ना पेड़ों का उदय होता है सुबह सुबह उदय होता है, वैसे ही कली का तो उदय होगा भाई, सुबह सुबह मॉर्निंग में पेड़ों का क्या होता है पेड़ खिलाते हैं, तो उदय किसका हुआ था कली का, उदय शंकर उदय किसका हुआ था कली, कली से कथक कली। आगे आगे देखो याद हो चुका ये, आगे है कृष्ण नायर, अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो कृष्ण नायर
यानी कृष्ण नायर, इसको रिलेट करेंगे कृष्ण नायर को। बस ये बताओ अगर मैं एक डंडा और लगा दूं तो क्या बन गया, ना यार। कृष्ण ना यार मत तोड़ कली, कृष्ण ना यार मत तोड़ कली, कृष्ण ना यार मत तोड़। देखो एक बार ये रिलेट करें हम लोगों को, दो चार बार हमको दिमाग में सेट होने वाले हैं। तो जब भी आएगा कृष्ण नायर, यानी कृष्ण नायर, यानी कृष्ण नायर का मतलब है कृष्ण ना यार मत तोड़ कली। समझ आया? आगे देखिए, शांता राव, शांता राव में शब्द आया शांत, और शांत रह के तोड़ी कली, शांत रह के तोड़ी कली, शांत रह के क्या किया था, तोड़ी कली। सारे भाइयों ने क्या किया था, तोड़ी कली। कृष्ण ने कुटी क्या थी, कली। समझ आया? शिव और राम की क्या थी, कली। उदय किसका हुआ था, कली का। तो कली से कथक कली, कथक कली, कथक कली। बताओ भाई हमने अपना कथक कली के एक दो नाम और है जो आगे आएंगे, पहले ये यहां तक हमने याद किया, यहां तक हमने याद किया। देखो यहां पे कृष्ण नायर है, एक बार तो मैं कृष्ण की जगह नंद लिख दू, नंद नायर, तो फिर से वही है नंद नायर मत तोड़ कली। जहां भी नंद या कृष्ण, कृष्ण नायर, नंद नायर मत तोड़ कली। जैसे कि आप लोगों के सामने अगर मैं दिखाऊं, यहां पे देखना कथकली से रिलेटेड ही हमारा, कथकली से रिलेटेड ही भाई हमारा एक और नाम है, आप देख पा रहे हैं, ये अपनी कॉपी में लिख लेना जिनके में नहीं है भाई। नंद कुमार नायर का भी संबंध किससे है, कथकली। तो जैसे कृष्ण को ही तो नंद बोलते हैं, कृष्ण नायर मत तोड़ कली, ऐसे ही नंद नायर, ये कुमारन छोड़ दो, नंद नायर मत तोड़ कली। ये पेपर क्या है, वे क्वेश्चन है जो मैंने लिखे हुए हैं, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है, एक बार जाके देखो तो सही भाई। दो क्लासिकल डांस करा दिए हैं मैंने, एक मणिपुरी, मणिपुरी को किससे रिलेट किया, पानीपुरी से, पानीपुरी से, और कथक कली को किससे रिलेट किया, कली से, कथक कली यानी कली, कथक कली यानी कली। चले भाई एक और क्लासिकल डांस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, दो क्लासिकल डांस करा दिए, आज टारगेट कितने का है, चार का, आज टारगेट है चार क्लासिकल डांस का। अब हम एक क्लासिकल और डांस याद कर रहे हैं दोस्तों, वो है हमारा कथक, वो है हमारा कथक। चले भाई पहले पॉइंट सुन लो एक बार, यहां पे आपके सामने है दोस्तों कथक, नजर आया, इसके और भी नाम आएंगे, पहले ये नाम मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, ये कैसे रिलेट करोगे। देखो भाई पहले पॉइंट है कथक कहाँ का क्लासिकल डांस है, ये बताओ, यूपी का। अगर यूपी ऑप्शन ना हो तो यूपी के अलावा राजस्थान के कुछ घरानों में भी कथक किया जाता है। समझ आया? अब सुनो भाई, कथक आते ही ना कथक को रिलेट करेंगे कथा से या कहानी से, कथक को रिलेट करना होता है कथा या कहानी से। जब भी मैं बोलूंगा कथा, कथा का मतलब क्या होगा, कथक, कथा का मतलब क्या होगा, कथक। जैसे पानीपुरी, पानीपुरी था ना, ये हमने मणिपुरी को पानीपुरी से लेट किया था, यानी मणिपुरी को किससे लेट किया था, पानीपुरी से। इसी प्रकार एक डांस था कथकली, कथकली को किससे लेट करना है, कली से, कली से। इसी प्रकार कथक को किससे लेट करना है, कथक को कथा से, कथक को कथा या जो कहानी होती है उससे लेट करेंगे भाई। चले अब कैसे चीजें सीखने आप लोगों को, पॉइंट सुना भाई ध्यान से, अब कैसे हम लोग इनको सीख रहे हैं। जब भी आएगा कथक, कथक को किससे लेट करना है, कथा से। अब सुनो भाई नाम याद करने का तरीका, सबसे पहले नाम देखो, जहां भी याद रखना किसी भी शब्द के पीछे महाराज आए ना दोस्तों, महाराज, किसी भी शब्द के पीछे महाराज आए, महाराज आए, याद रखना। जैसे बिरजू महाराज पीछे महाराज आए ना, लच्छू महाराज पीछे क्या आया, महाराज। आगे देखो सूरत देव महाराज, फिर से महाराज आ गया। आगे देखो बहुत सारे हैं, चंद्रलेखा बिंदादीन महाराज, देखो फिर से महाराज आ गया। अच्छन महाराज, यानी फिर से महाराज आ गया। जहां भी किसी शब्द के पीछे महाराज नजर आए, एक बात बताओ, आपने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना है, अशोक का नाम सुना है, जितने भी महाराज थे उनकी अपनी क्या होती है, गाथाएं, कथाएं होती है, नहीं होती। महाराजाओं की अपनी क्या होती है, कथा, कथा से कथक, कथा से कथक। याद करने का तरीका सुन लो भाई, कैसे याद रखना है, पेपर में शब्द आएगा बिरजू महाराज का संबंध किससे है, बिरजू महाराज का संबंध किससे है, तो हमने याद किसे किया, बिरजू महाराज का संबंध किससे था भाई, बिरजू महाराज। जहां भी महाराज शब्द आए, महाराजों की अपनी क्या होती है, कथा, महाराजों की अपनी क्या होती है, कथा, महाराजों की अपनी होती है कथा। याद हुआ है, जहां भी महाराज आए महाराजों की अपनी क्या होती है, कथा। चले भाई आगे देखो, नेक्स्ट नाम आया सितारा देवी, एक बात तो सितारा आते ही सितारा यानी चांद सितारों, चांद सितारों की भी अपनी क्या होती है, कथाएं, चांद सितारों की भी क्या होती है, कथाएं। तो जहां भी सितारा देवी आए ना सितारा, तो आपको याद आएगा सितारा यानी चांद सितारों की अपनी क्या होती थी, कथा, और कथा से कथक, कथा से कथक भाई। चले सितारा देवी भी याद हो चुका, सूरत देव महाराज मैंने कहा, महाराज जहां भी आए महाराजों की अपनी क्या होती है, कथा। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई ये दो नाम देखो, पहले है गोपी कृष्णन, एक बात आओ यूपी में जाओगे ना, गोपी और कृष्ण की भी तो क्या चलती है, कथाएं चलती है, नहीं चलती, गोपी और कृष्ण की भी क्या है, कथा। जैसे गोपी और कृष्ण की कथा है ना दोस्तों, याद रखना, वैसे ही शोभना और
नारायण की कथा है। ये शब्द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शोभ नारायण याद रखना। जैसे गोपी और कृष्ण की कथा है वैसे ही शोभना और नारायण की कथा है, तो शोभना और नारायण की भी तो क्या है, कथा है। पहले सुन लो, ये बताओ महाराजाओं की अपनी क्या थी, कथा। सितारों की अपनी क्या है, कथा। समझ आया, गोपी और कृष्ण की क्या थी, कथा। जैसे गोपी और कृष्ण की कथा है वैसे ही शोभना और नारायण की भी क्या है, कथा है। वैसे ही शोभना और नारायण की भी क्या है, कथा है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये सबसे कम उम्र में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है। किसको, शोभना नारायण को। तो शोभना नारायण पेपर में बहुत बार आया हुआ है, शोभना नारायण का संबंध किस क्लासिकल डांस से है। तो जब भी शोभना नारायण आएगा तो शोभना नारायण, तो जैसे शोभना और नारायण की भी क्या थी अपनी, कथा। जैसे गोपी और कृष्ण की क्या है, कथा। ऐसे ही शोभना और नारायण की भी क्या है, कथा है। चले भाई आगे देखो, कथक को रिलेट करना है सीधी सी बात है कथा से, कथक यानी कथा। आगे देखो, मालविका सरकार, मालविका सरकार। ये बताओ मालविका सरकार आ गया सरकार, एक बात तो बीजेपी है कांग्रेस है, भाई हर सरकार की हर पार्टी की अपनी क्या होती है, कथाएं होती है ना, कि भाई तुमने ये किया, हमने ये किया, हमने वो किया। हर सरकारों की अपनी क्या होती है, कथा। सितारों की क्या होती है, कथा। महाराजों की क्या होती है, कथा। गोपी कृष्ण की क्या थी, कथा। अरे बहुत ईजी है, कथा कथा कथा। याद रखना, जहां भी मालविका सरकार आए और सरकार आते ही सरकारों की अपनी क्या होती है, कथा। देखो याद रखना दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही ईजी करवा देंगे, लेकिन एक बार ना आप लोगों को ये टॉपिक ध्यान से दो तीन बार वीडियो देखनी है, दो तीन बार, समझ आया। और किसी बच्चे को करा देना, एक बार मैं करा रहा हूं, ट्रिक्स करा रहा हूं, अगली बार जब अपनी बुक से पढ़ोगे, अपनी पीडीएफ से पढ़ोगे, आपको कनेक्ट करके देखना है कि किस प्रकार कनेक्ट किया था, कनेक्ट जरूर करके देखना है। एक बार कनेक्ट कर गए ना, मैं ये कह रहा हूं एक साल बाद भी पूछूंगा ना, बताओ झावरी बहने बहने किस पे टूट पड़ती है, आपको पता होगा पानीपुरी पे टूट पड़ती है, समझ आया। शिव और राम की क्या थी, कली। कृष्ण ने क्या कुटी थी, कली, समझ आया। कली से कथक कली, हर एक नाम आप क्या कर पाओगे, रिलेट कर पाओगे, समझ आया। महाराजाओं की क्या होती है, कथा। सितारों की अपनी क्या होती है, कथा। गोपी और कृष्ण की क्या थी, कथा। शोभना और नारायण की भी क्या थी, कथा। मालविका सरकार, सरकारों की अपनी क्या होती है, कथा। चले भाई आगे देखो, बचे होने वाला है कुछ नाम और बचे हैं हमारे पास, कुछ नाम और बचे हैं। देखिए भाई, मालिका सरकार हो गया, चंद्रलेखा बिंदादीन महाराज हो गया, महाराज आ गया, फिर से महाराजों की क्या थी, कथा। अच्छा महाराज, महाराजों की क्या थी, कथा। ये कुछ और नाम बचे, सुनो भाई। एक शब्द है नारायण प्रसाद और एक शब्द है कालिका प्रसाद, दोनों ध्यान से सुनना। एक है दोस्तों नारायण प्रसाद, नारायण प्रसाद, और एक है कालिका प्रसाद। याद करने का तरीका सुन लो भाई, नारायण यानी भगवान है और काली माता भी भगवान है। नारायण का प्रसाद हो चाहे काली का, यानी काली माता का प्रसाद हो, नारायण का प्रसाद हो चाहे काली का प्रसाद हो, वो मिलेगा कथा के बाद। कब मिलेगा, कथा के बाद, कथा के बाद, कथा से कथक। पेपर आएगा नारायण प्रसाद का संबंध किससे है, तो नारायण प्रसाद आते ही हमको रिलेट करना है। नारायण का प्रसाद कब मिलेगा, कथा के बाद, कथा से यानी कथक। काली का प्रसाद भी कब मिलेगा, कथा के बाद यानी कथक। बताओ भाई ये समझ आया, नारायण प्रसाद भी हो गया, कालिका प्रसाद भी हमारा हो चुका है, ठीक है। आगे सुनो, आगे कुमुदिनी लखिया, कुमुदिनी लखिया का याद करेंगे। कुमुदिनी यानी कम दिनों में लिखी, कम दिनों में लिखी क्या, कथा। कम दिनों में लिखी क्या, कथा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर आते रहते हैं। कुमुदिनी लखिया यानी कम दिनों में लिखी क्या, कथा। कथा से कथक, कथा से कथक, समझ आ गया। आगे सुनो, एक नाम है मंजूश्री चटर्जी भाई। देखो मंजू एक लड़की है, वो चटर्जी यानी चट कर गई, मंजू चट कर गई, मंजू चट कर गई सारी चीज। देखो जब भी कथा होती है ना, किसी की कथा होती है तो भाई चाय मट्ठी वगैरह सब कुछ आता है ना, आता है, तो उसी से रिलेट कर रहा हूं मैं। मंजू चट कर गई सब कहने भाई, कथा के दौरान मंजू चटर्जी है, मंजूश्री चटर्जी यानी मंजू चट कर गई सब कुछ है, किसके दौरान, कथा के दौरान। मंजू चट कर गई किसके दौरान, कथा के दौरान। कथा से कथक, कथा से कथक, समझ आया। एक बात तो, ये जितनी कथाएं होती है ये हमारी विद्या माता ही तो है। कथा क्या होती है, विद्या, विद्या गौरी अड़कर, विद्या क्या होती है, कथा। कथा यानी कथक, कथा यानी कथक। बताओ भाई ये नाम हमने रिलेट किया, आप लोगों को समझ आया। एक बार फिर से देखो, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, ये हमारा सबसे बड़ा है कथक वाला, ठीक है। अभी और नाम आएंगे, तीन चार नाम और हैं, उनके भी इसी याद करेंगे भाई, इसी से सारे आसान है। वीडियो को बिल्कुल धीरे धीरे आप लोगों को देखना है, हमारे ट्रिक्स क्या है, रिलेट किस प्रकार कर रहे हैं। एक बात बताओ, जब मैं पढ़ूंगा ना इसको, देखो कितनी स्पीड से पढ़ते हैं। ये बताओ जितने भी महाराज हैं, महाराजों की अपनी क्या होती है, कथा। सितारों की अपनी क्या होती है, कथा। गोपी और कृष्ण की क्या थी, कथा। ऐसे शोभना नारायण की भी क्या थी, कथा। मालविका सरकार, हर सरकार की अपनी क्या होती है, कथा। भाई समझ आया, फिर से महाराज आ गया, महाराजों की अपनी क्या थी, कथा।
नारायण का प्रसाद कब मिलेगा? कथा के बाद। मंजू चटकरगी सब कहना भाई कथा के दौरान। कुमुदिनी लिखिया यानी कम दिनों में लिखी क्या कथा। काली का प्रसाद कब मिलेगा? कथा के बाद। विद्या यानी ये कथा ही तो होती है विद्या। बताओ भाई सारे नाम याद हुए या नहीं हुए? ठीक है, अब ये दो तीन नाम और है इसी से रिलेटेड, ध्यान से सुनना भाई। अब आपके सामने देखो कथक में मैंने कुछ और नाम लिखे हैं आप लोगों के सामने। कथक में ही एक है अभिनेत्री कीर्ति शैनन, अपनी कॉपी में लिख लेना, ये भी कथक से ही है। रोहिणी भाटे, क्षमा भाटे, कुमारी कमला, उमा शर्मा, पंडित मुनालाल शुक्ला, कुमकुमधर, ये पांच छह नेम और है जिनका रिलेशन किससे है? कथक से है। ये सारे पेपर के निकाले हुए क्वेश्चन है, याद रखना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी रिलेट कर लेते हैं एक बार, ध्यान से सुनो। पहला नाम आया कुमकुमधर। कुमकुमधर को रिलेट करेंगे कुमकुमधर से यानी घर। कुमकुमधर यानी घर, और हर घर की क्या होती है? कहानी। हर घर की कहानी या कथा होती है ना, हर घर की क्या होती है? कहानी या कथा। कथा से कथक। कुमकुमधर आते ही कुमकुमधर यानी कुमकुमधर आते ही दोस्तों क्या याद करोगे? धर यानी घर, और हर घर की क्या होती है? कथा यानी, चले भाई कथा यानी कथक। आगे देखो ये शब्द है पंडित मुन्नालाल शुक्ला। ये बताओ जब आप छोटे बच्चे थे आप मुन्ने थे, और हर मुन्ने लाल की अपनी क्या होती है? हर मुन्ने लाल की क्या होती है? कथा। भाई बोलते ना कि ये जो बचपन में था इसने ये किया, ये करता था, ये किया, तो हर मुन्ने लाल की क्या होती है? कथा। कथा से कथक, कथा से कथक। पंडित मुन्नालाल शुक्ला एक ही नाम है पूरा का पूरा, समझ आया? देखो उमा शर्मा, उमा उमा हम याद करेंगे, उस माँ उमा, उस माँ की अपनी क्या थी? कथा है। उस माँ उमा, उस माँ की क्या है? कथा। उमा शर्मा, उस माँ की क्या है? कथा। कथा से कथक। भाई उस माँ की कुछ ना कुछ कथा है, कहानी है, हर एक माँ की अपनी कहानी होती है, तो हमने यार क्या उस माँ की एक क्या है? कथा। कथा से कथक। भाई बताओ भाई आगे सुनो। देखो भाई एक लड़की है वो हमेशा कथा करती है, हमेशा कथा क्या करती है? करती है। एक लड़की हमेशा कथा करती है, करती यानी देखो कीर्ति, कीर्ति में करती, कीर्ति यानी करती, और करती क्या है? डेली क्या करती है? कथा। कथा यानी कथक, कथा यानी कथक। बताओ भाई याद हुआ है नहीं? अभिनेत्री कीर्ति सैनन है ये, कीर्ति को रिलेट किया मैंने करती, कीर्ति यानी करती, क्या करती भाई? कथा, डेली कथा करती। चले भाई दो नाम और बचे भाई हमारे, तीन नाम सॉरी, तीन नाम क्या है? रोहिणी भाटे, क्षमा भाटे। अब ये और सुनो भाई, देखो एक होता है सीता माते, होते ना भाई सीता माते। बताओ सीता माता की भी तो अपनी कथा है या नहीं है? सीता माता की अपनी कथा है या नहीं है? जैसे गोपी और कृष्ण की कथा थी, ऐसे सीता माता की भी कथा है। सीता माते यानी भाटे, जहां भी भाटे आए ना, चाहे रोहिणी भाटे हो, चाहे क्षमा भाटे हो, चाहे सीता माते हो, माते यानी भाटे यानी माते, क्षमा माते हो, रोहिणी माते हो, या सीता माते हो, जहां भी माते भाते माते भाते आए ना, मातों की अपनी क्या होती है? कथा। जितनी भी माते हैं, सीता माता हो, रोहिणी माता यानी भाटे यानी माते, समझ आया? उनकी क्या होती है? अपनी कथा। चले भाई एक नाम और बचा दोस्तों, एक नाम और है हमारा, क्या नाम है? इनको एक दो बार पढ़ेंगे याद होगा दोस्तों, याद क्यों नहीं होगा? होगा भाई। एक नाम बचा लास्ट, कुमारी कमला। कुमारी कमला, कुमारी को याद करेंगे कुवारी, कुमारी यानी कुवारी, कुमारी यानी कुवारी। कमला की भी क्या है के? कथा है। एक कुवारी है कमला, उसकी भी अपनी एक कहानी है, कथा है, समझ आया? तो इस प्रकार दोस्तों मैंने ये सारे नाम आपको रिलेट कराए हैं। अब हमारे क्लासिकल डांस हो गए हैं टोटल तीन। कितने क्लासिकल डांस हो गए अभी के लिए? तीन। एक लास्ट और बचा है आज का भाई। टोटल मैंने कहा था हमको चार क्लासिकल डांस सीखने हैं, चार क्लासिकल डांस सीखने थे आज हम लोगों को, तो मैंने तीन करा दिए हैं। एक लास्ट और करा देता हूँ, लास्ट और करा देता हूँ, असम का एक होता है क्षत्रिया। चले भाई यहाँ पे आए वापिस, वहां पे आए एक बार, आपको नजर आया? चले भाई यहाँ पे देखो, इधर एक क्लासिकल डांस बचा लास्ट, ये और देखते हैं फिर अगले पार्ट में इसको लेके आएंगे कंप्लीट। अब यहाँ पे आओ देखो दोस्तों, इधर ये है क्लासिकल डांस हमारा कौन सा? क्षत्रिया। नजर आया आप लोगों को? ये है क्षत्रिया। हमको ये नाम याद रखने हैं। अब इनको याद कैसे करेंगे? ध्यान से सुनना, इनको कैसे याद रखेंगे हम लोगों को? पहला पॉइंट एक बात बताओ, ब्राह्मणों ने, आपको पता है हमारी सोसाइटी को चार भागों में डिवाइड किया था। एक था ब्राह्मण, एक था क्षत्रिय, एक था शूद्र, इतिहास पढ़ा होगा, और एक था वैश्य या वैश्य और शूद्र, ठीक है? ये कुछ सुना होगा आप लोगों ने ऐसा कुछ। तो हम इस क्षत्रिय को इस क्षत्रिय से रिलेट करने वाले हैं, इस क्षत्रिय से, समझ आया? पहले सुनना, इतिहास में ना सबसे अव्वल हुआ करते थे ब्राह्मण, दूसरे नंबर पे हुआ करते थे क्षत्रिय, तीसरे नंबर पे वैश्य, और सबसे नीचे कौन हुआ करते थे? शूद्र जनजाति के या शूद्र जाति के लोग हुआ करते थे। ये स्थान थे अव्वल स्थान पे,
समझ आया? तो फिर ना क्षत्रिय लोगों ने सोचा, भाई दूसरे नंबर पे क्यों है, हम पहले नंबर पे जाएंगे, हम तो पहले नंबर पे जाएंगे। ये मैंने कुछ स्टोरी बताई है, अब मैं सारे नाम याद कराऊंगा। जब भी क्षत्रिय आएगा, क्षत्रिय को किससे रिलेट करेंगे? क्षत्रिय से, क्षत्रिय से याद रखना, क्षत्रिय यानी क्षत्रिय। और पहले ये बताओ, क्षत्रिय डांस कहाँ का है? असम का क्लासिकल डांस है, और ये भारत का सबसे नया क्लासिकल डांस है, सबसे नया क्लासिकल डांस है। क्या आपको समझ आया? एक लास्ट पॉइंट सुनना भाई, क्षत्रिय लोगों के ना हमेशा याद रखना दो गुरु हुए हैं, एक वह है शंकरदेव। क्षत्रियो के दो गुरु वे हैं, गुरु एक शंकरदेव, एक गुरु गोस्वामी, एक गुरु गोस्वामी। जब भी मैं आपसे पूछू ना, देखो हम दो टीचर तो याद कर सकते हैं, मैं अगर आपसे पूछू क्षत्रिय लोगों के कितने गुरु वे हैं, दो, एक कौन सा शंकरदेव वह है और एक गुरु गोस्वामी। गुरु गोस्वामी किसका गुरु था? क्षत्रियो का। शंकरदेव किसके गुरु वे हैं? क्षत्रियो के। चले भाई ये दो पॉइंट सुनने थे, अब मैं सारा पॉइंट याद करा रहा हूं, आगे सुनो भाई। पहला नाम बताओ क्या है? परमानंद व्याख्यान, गोस्वामी मणिक व्याख्यान। जहां भी शब्द आए ना व्याख्यान, व्याख्यान को रिलेट करेंगे बखान, व्याख्यान यानी बखान, व्याख्यान यानी बखान। और अपना बखान खुद करते हैं क्षत्रिय लोग, वैसे रिलेट करना है, जो क्षत्रिय होते हैं ना वो अपना बखान, अपना बखान होता है अपने मुंह मियां मिठू बनना, ब्लो वंस ऑन ट्रिमफेट, यानी अपनी तारीफ खुद करते हैं। जहां भी शब्द आए ना व्याख्यान, व्याख्यान को रिलेट करेंगे बखान। और जब भी पूछूंगा अपना बखान खुद कौन करता था, आपको याद आएगा क्षत्रिय लोग, क्षत्रिय अपना बखान खुद करते हैं। तो ये दोनों नाम हमको याद हो गया, जहां भी शब्द आए व्याख्यान यानी बखान, और अपना बखान खुद कौन करता था, क्षत्रिय लोग करते थे भाई। तो दोनों याद हो गए। और अपना गहन बखान करते हैं ये लोग, कैसा बखान करते हैं? गहन। तो ये गहन चंद्रा, जहां भी गहन आए ना, गहन क्या करते थे? गहन बखान करते थे। कौन करते थे? क्षत्रिय लोग। तो ये तीनों नाम याद करवा दिए भाई मैंने, क्षत्रिय लोग याद रखना, क्षत्रिय लोग हमेशा, क्षत्रिय लोग अपना गहन बखान करते हैं। हमको एक दो बार रिवाइज करना है, क्षत्रिय लोग क्या करते हैं? अपना गहन बखान, अपना बखान खुद करते हैं। अगला नाम देखो भाई, याद रखना, ये जो क्षत्रिय लोग होते हैं ना, ये पूरे शौकिया तरीके से रहते हैं। जहां भी शौकिया शब्द आए ना, शौकिया, और शौकिया तरीके से कौन रहते हैं भाई? पूरे शोक, पूरे शोक में कौन रहते हैं? क्षत्रिय लोग। भाई ब्राह्मण तो रहते नहीं, ना वैश्य रहते। जब भी मैं पूछा, जब पेपर आएगा ना, शौकिया, शारदीप शौकिया, पूरे शौकिया तरीके से कौन रहते हैं? पूरे शौकिया तरीके से क्षत्रिय लोग रहते हैं। और ये रहते नहीं क्षत्रिय लोग, पर भात यानी भात भी शौकिया तरीके से भरते हैं। पर भात यानी भात, भात नंदी का भात सुना होगा है ना, दिखावा कर, दिखावा किया था। इसी प्रकार मैं रिलेट कर रहे हैं, वैसे याद रखना, क्षत्रिय जो लोग है ना, वो भात भी ना पूरे शो के तरीके से भरते हैं। क्षत्रिय लोग भात जब भी आए, पर भात यानी आएगा आपको भात शब्द आएगा, और भात शोकीय तरीके से, या भात कौन भरते थे? बड़ा चढ़ा के भात कौन भरते थे? क्षत्रिय लोग भरते थे। समझा? क्षत्रिय लोग झूमते रहते हैं, झुमुरा। क्षत्रिय लोगों की चाल, क्षत्रिय लोगों की चाल, चालू अलग है भाई, चालू यानी चाल क्षत्रिय लोगों की अलग है बिल्कुल। फिर से पॉइंट देखो भाई, मैं वापस रिलेट कर रहा हूं, हम पढ़ रहे हैं क्षत्रिय क्लासिकल डांस को। सारे नाम कैसे याद करेंगे? पेपर आएगा भाई, पेपर आएगा, यहां से क्वेश्चन सुन लो, पेपर आएगा। अब सुनो नाम सारे के सारे। देखो मैंने आपको कहा था क्षत्रिय, क्षत्रिय यानी किस क्षत्रिय से याद रखेंगे? इससे, इस क्षत्रिय से। और क्षत्रिय लोगों के ना दो गुरु हुए हैं, याद बताओ कौन कौन हुए हैं? एक शंकरदेव हुआ है और एक गुरु गोस्वामी। तो पहला नाम आया श्रीमद शंकरदेव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पेपर आ चुका भाई, याद रखना शंकरदेव। शंकरदेव आते ही, शंकरदेव आते ही, शंकरदेव आते ही दिमाग में एक बत्ती घुमा लेना, शंकरदेव किन के गुरु थे? क्षत्रिय लोगों के गुरु थे। और शंकरदेव ही नहीं, गोस्वामी, गुरु गोस्वामी भी किसका गुरु था? दो गुरु याद करने यार, ये तो डायरेक्ट याद रखना, शंकरदेव किसका गुरु हुआ है? क्षत्रियो का। और भाई गुरु गोस्वामी किसका गुरु है? क्षत्रियो का। शोकिय तरीके से कौन रहते हैं? क्षत्रिय लोग। पर भात यानी भात कौन भरते हैं शोकिय तरीके से? क्षत्रिय लोग। अपना बखान, व्याख्यान यानी बखान, और अपना गहन बखान कौन करता है? क्षत्रिय लोग। बताओ याद हुआ नहीं हुआ? याद हो चुका रे आप लोगों को, याद हो चुका है दोस्तों, सारा मैंने याद करवाया आप लोगों को। एक बात बताओ, क्षत्रिय लोग अपना झूमते हैं, झूमते रहते हैं, कौन? क्षत्रिय लोग। और चाल इनकी ना बहुत ही अलग है भाई, चाल ढाल इनका बहुत ही अलग है, किनका? क्षत्रिय लोगों का। देखो अब ना ये कुछ और नाम है क्षत्रिय से, ये अपनी कॉपी में लिख लेना भाई, ये अपनी कॉपी में लिख लेना। देखो भाई आप लोगों को यहां पे कुछ नाम और लिखे हैं मैंने, पहले है रजुमोनी शौकिया। देखो जहां भी शौकिया है, चाहे वो शारदीप शौकिया हो, चाहे सुमोनी शौकिया, जहां भी शौकिया है ना, शौकिया तरीके से कौन रहते हैं? क्षत्रिय लोग। शौकिया तरीके से कौन रहते हैं? क्षत्रिय लोग। तो ये नाम तो याद हो गया, रजुमोनी शौकिया। आगे देखो इनकी चाल अलग है, चाल या झूमते कौन है? झुमुरा, झूमता, झूमता कौन है? क्षत्रिय लोग, झूमते रहते हैं। इनकी चाल बिल्कुल, चाल ढाल बिल्कुल अलग है, किनकी दोस्तों? क्षत्रिय लोगों की।
समझा? नादू भंगी, नादू 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 हमेशा कौन करता रहता है? क्षत्रिय। क्षत्रिय किसी को कुछ नहीं देते हैं, हमेशा क्या बोलते हैं? नादू, कुछ भी कर ले भाई, नादू भाई, नादू नादू कौन करता रहता है? क्षत्रिय लोग करते रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आप लोगों को आज चार क्लासिकल डांस याद कराए हैं। एक बार हम नाम बता देते हैं, मैंने आज आप लोगों को याद कराया है मणिपुरी क्लासिकल डांस, मैंने याद कराया है आप लोगों को कथकली क्लासिकल डांस, मैंने याद करवाया है आप लोगों को भाई एक है हमारा कौन सा था कथक क्लासिकल डांस, और एक है हमने क्षत्रिय क्लासिकल डांस। ये चार क्लासिकल डांस याद किए हैं, अगले पार्ट तक ना ये सारे नाम आप लोगों को याद होने चाहिए। चले मैं 5-7 नाम लिख रहा हूं, आप लोगों को बताना किस क्लासिकल डांस से हो सकते हैं। चले सबसे पहले आप लोगों के सामने नाम है, ये बताओ, निर्मला, निर्मला मेहता, मेहता निर्मला मेहता, मेहता याद किया था, मेहता यानी मेहनत, मैं यानी मेहनत, और बहुत मेहनत लगती थी क्या बनाने में, पानीपुरी, पानीपुरी से मणिपुरी, पानीपुरी से मणिपुरी। अगला बताओ कृष्णन कुट्टी, कृष्णन कुट्टी, कृष्ण ने क्या कुट्टी थी, कली, कली से कथक कली, कली से कथक कली, कृष्ण ने कुट्टी कली, कली से कथक कली। अच्छा भाई आगे बताओ मालविका सरकार, मालविका सरकार, ये बताओ हर सरकार की अपनी क्या होती है, कथा, कथा से कथक। सितारों की क्या थी, कथा, महाराजों की क्या थी, कथा, सरकारों की क्या थी, कथा, गोपी कृष्ण की क्या थी, कथा, और ऐसे ही शोभना नारायण की भी क्या थी, कथा थी। चले अगर मैं बताऊं जहां भी शब्द आए शारदीप शौकिया, अभी बताओ शौकिया, शौकिय तरीके से कौन रहते थे, शौकिय तरीके से कौन रहते थे, क्षत्रिय लोग, तो क्षत्रिय से है, क्षत्रिय क्लासिकल डांस से है। अब आप सारे के सारे नाम बता दोगे भाई, सारे के सारे, कोई भी नाम लू मैं आप लोग बताओगे। अब मैं तीन नाम ले रहा हूं, तीनों का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इनका संबंध किस क्लासिकल डांस से हो सकता है। पहला नाम आप लोगों को बताना है, पहला नाम है मृणालिनी साराभाई का संबंध किस क्लासिकल डांस से है। चले मेरा दूसरा क्वेश्चन है भाई आप लोगों के लिए, चले चार क्लासिकल डांस है तो चार ही क्वेश्चन है, ठीक है। एक तो मृणालिनी साराभाई का संबंध किस क्लासिकल डांस से है, दूसरा आप लोगों को बताना है दोस्तों कालिका प्रसाद का संबंध किस क्लासिकल डांस से है, कालिका प्रसाद। तीसरा शोभना नारायण का संबंध किस क्लासिकल डांस से है, और फाइनली चौथा क्वेश्चन शारदीप सॉरी झावरी बहनों का संबंध किस क्लासिकल डांस से है। ये चार क्लासिकल डांस का मेरे को कमेंट में आंसर चाहिए भाई, समझ आया? दोस्तों आज के लिए हम करेंगे इतना ही, अब मिलेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट में क्लासिकल डांस सेकंड पार्ट के साथ, और इसी के लिए साथ दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।